इट वॉज़ अ सिविल केस, 138 का केस था सुबह उसका, आज 10 o'clock अटेंड करना था, तो आई ड्रॉप्ड हर आउटसाइड द कोर्ट. तो वो अंदर गई तो मैं पार्क भी नहीं किया था कार, तो मेरे पास कॉल आया उसका कि मेरे को गोली मार दी है. तो आई केम रशिंग बैक, तो ये हॉस्पिटल में है, दिस इज़ वॉट इट इज़. क्या केस चल रहा था उनके ऊपर? 138 का कुछ था केस, दैट इज़ पैसे का लेन देन का था, विच ही हैज़ गिवन एंड ही हैज़ टेकन बैक, दिस इज़ वॉट सेड. बट ही इज़ सेइंग आई नीड मनी, इट वॉज अ केस ऑफ एक्सटॉर्शन, बेसिकली इज़ ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम हर एक्चुअली. ने दिसंबर के महीने में अरेस्ट किया था, इसका इंटरिम बेल का मैटर हाई कोर्ट में चल रहा था और इसको हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल कंडीशन पे दी थी. वो उसके कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी था कि इसका फर्दर मीडिएशन चलेगा और जितना भी चीटिंग का अमाउंट है वो रिटर्न करेंगी. मीडिएशन के लिए ये लेडी आई हुई थी और हमारी साकेत कोर्ट की FIR का जो विक्टिम है, इस इंसिडेंट का जो अक्यूज्ड है, वो भी मीडिएशन के पर्पज़ के लिए आया हुआ था. वो यहाँ पे एज अ लॉयर काम करता था, काफ़ी सालों से काम करता था.